एंड गाइस एक और मैं बात बताऊं कि मैं आज गाड़ी लेके नहीं जाने वाला। तो अभी मेरा ये प्लान है कि मैं जिसमें जा रहा हूँ उसमें न शांति से सोते सोते जाना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर पावरा व्लॉग्स। तो गाइस, इस व्लॉग की शुरुआत होती है सीधे हमारे घर से एंड फिलहाल हम लोग कर रहे हैं नाश्ता एंड यू कैन चेक दिस। अभी गाइस बैक टू आवर रूटीन। रुकिए, आप अपना मोबाइल नीचे रख दे और फिलहाल नाश्ता कर रहा। अभी मंडे टू सैटरडे हमारा यही रूटीन चलेगा। बट आज गाइस मैं जाने वाला हूँ, थोड़ा बंद कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छे से। मैं जाने वाला हूँ मेरे गांव में। तो आज मतलब दो तीन दिन ये सब नहीं होगा, दो तीन दिन के लिए ये सब मैं नहीं खा पाऊंगा। दूध और चने नहीं लिया, पीनट बटर खत्म हो गया। हाँ, तो पीनट बटर खत्म हो गया तो बोला लेने जाने का टाइम नहीं है गाइज। एंड बहुत कुछ है तो अभी ऐसे चने खा लेते हैं एंड उसके बाद कहाँ पर घर, कहाँ पर घर, घर देखा ये घर ही है ना। नहीं। तो हमारे गांव जाने वाले, हमारे गांव में, हमारे रियल घर में, हमारे रियल घर जाने वाला हूँ मैं। तो गाइस एक दो वहाँ पे काम है तो पापा ने बुलाया है मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा फ्री हूँ तो आज जाऊंगा, कल आ जाऊंगा यहाँ पे। एक दिन का प्लान है। एंड गाइस एक और मैं बात बताऊँ कि मैं आज गाड़ी लेके नहीं जाने वाला। तो अभी मेरा ये प्लान है कि मैं जिसमें जा रहा हूँ उसमें शांति से सोते सोते जाना है। तो है गाइस, तो क्यों मैं जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ, ट्रेन से जाना वाला, ट्रेन के पटरी से। तो गाइस सस्पेंस नहीं रहने देते ना, तो यार गाइस मैं ट्रेन में जाने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल गाइस ये सब निपटा लेते हैं और फिर मिलते हैं गाइस आपको। तो ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ नीचे क्योंकि गाइस मैंने गाइस गाड़ी को देखे हुए आई थिंक एक वीक हो गया। तो एक वीक से मैंने गाड़ी को देखा ही नहीं है और चलाया भी नहीं है। तो गाइस मैं अभी देखने के लिए आया हूँ, सब कुछ सही तो है ना। बहुत ही धूल मिट्टी वगैरह आ चुकी है तो फिलहाल साफ करेंगे क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ तो दो तीन दिन के बाद ही आऊंगा मैं। आई थिंक फ्राइडे आऊंगा तो फिर सैटरडे संडे कहीं पे जाना है। आज गाड़ी लेके नहीं जाने वाला हूँ, यू नो गाइस मैं जाने वाला हूँ ट्रेन से क्योंकि गाड़ी का टाइम हो चुका है सर्विस का। हम लोग दमन गए थे थोड़े दिन पहले, आप लोगों ने देखा ही होगा वो वाला ब्लॉग। तो वहीं पे ही 10,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो गाड़ी ने पूरा कर दिया था। तो ऊपर भी 350-350 या 400 किलोमीटर चल गई है। हमारा घर यहाँ से 200 किलोमीटर है और वहाँ से 200 किलोमीटर, तो यानी कि 400 किलोमीटर का हमारा वो हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो 400 किलोमीटर हम लोग गाड़ी को ऐसे ही नहीं खींच सकते, मतलब फिर 800 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार हम लोग जाते हैं ट्रेन से, तो क्योंकि काफी दिन हो गए हमको ट्रेन से गए हुए, जब से गाड़ी आई है तब से हम लोग ट्रेन में गए नहीं है तो थोड़ा भूल चुके हैं हमारी वो वाली लाइफ। तो आज मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ और वो सब एंजॉय करने वाला हूँ। बट गाइस फिलहाल का प्लान ये है कि गाड़ी को साफ करेंगे। यहाँ पे आवाज बहुत आ रही है क्योंकि नीचे टंकी में पानी आ रहा है। तो ये सब ऊपर देखो कितने गेहूँ, अभी ऊपर क्या होता है कि कबूतर होते हैं उनको डालते हैं गेहूँ वगैरह, तो नीचे आता है ये सब कबूतर ही बिगाड़ते हैं। कोई बात नहीं, चलो देखो गाइस ये देखो गाइस। ओ भाई कितनी दूर है, हमारे गांव में नहीं बट यहाँ पे भी आती है। अभी गाइस गाड़ी से ज्यादा तो मैं कवर बहुत साफ करता हूँ। चलो गाइस साफ कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो गाइस साफ हो चुकी है गाड़ी। ओ भाई कितने दिनों के बाद आया। बट सर्विस का टाइम हो चुका है, मैं आपको दिखाऊं तो 10,300 किलोमीटर आप गिन लो तो 10,300 हो गई है और मैं
अभी ले जाता है तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये सब है तो इसलिए गाड़ी को नहीं ले जा रहा है। A few moments later. तो okay guys, so finally, मैं नहातू के रेडी हो चुका हूँ एंड थोड़ा एडिटिंग भी किया, एडिटिंग में थंबनेल बनाना था और जस्ट 12 बजे मैंने ये व्लॉग अपलोड किया गाइज, ये वाला व्लॉग। तो गाइज ये मेरी चैनल है तो प्लीज यार आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड गाइज मेरे व्लॉग्स आप लोग पूरा देखो यार। अगर आपको मजा नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पसंद नहीं है तो मुझे बताना कि मेरे व्लॉग्स में आपको क्या दिक्कत आ रही है। लाइक जरूर कर दिया करो गाइज, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज यार लाइक कर दिया करो। 40 या 50 लाइक्स तो आती है बट मुझे अभी 100 चाहिए, तो प्लीज यार 100 लाइक आ जाए वैसा करो गाइज। तो चलिए गाइज फिलहाल मैं पैकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। चलो गाइज फाइनली हमारा टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का, तो अभी चलिए दो बैग है मेरे तो दो बैग लेते हैं और ये सब एक्सटेंशन वगैरह पहनते हैं, उसके बाद निकलते हैं गाइज क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रखी है। तो लेट्स गो। A few moments later. तो अभी गाइज पहुँच गए एंड बहुत ही गर्मी, तो अभी क्या हुआ कि रिक्शा से मैं आया और बहुत ही मतलब अभी कहीं थक गया हूँ, तो अभी यहाँ पे पहुँच के थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ और यहाँ से सीढ़ियों से अभी जाना है मुझे। अभी मेरा 4th नंबर का मेरा प्लेटफॉर्म है, तो ये देखो आगे भी बैग और पीछे भी बैग। अभी गाइस 3 बज गए और 3:50 की मेरी ट्रेन है तो जल्दी पहुंच गया हूँ, तो अभी धीरे धीरे जाएंगे। गाइस कभी कभी रेलवे से भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी लाइफ कैसी है और यहाँ पे सब लोगों का हाल हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ तो इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए हमारी ट्रेन तो आ चुकी है, तो चलिए कहीं संदेश चलते हैं। पूरी ट्रेन खाली है गाइस, तो ओके गाइस सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी के अंदर एंड गाइस आते ही इतनी ठंडक मिली ना यहाँ पे, 3:15 पे पहुंच चुका हूँ, तो 3:15 से लेके 3:50 तक ऐसे ही बैठे रहना है क्योंकि 3:50 के बाद ही ये ट्रेन निकलेगी, तो बहुत ही गजब है और इतनी ठंडी है ना, मज़ा आ रहा है। तो गाइज आप अकेले हो और गाइज अकेले कोई आपको जाना है आपके गांव साइड और ये सब ट्रेन की सुविधा है तो आप लोग इसमें से जाओ, कोई झंझट ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे बैठ गए पूरी मतलब पूरी ऐसे स्लाइड हो जाती है, रिक्लाइन हो जाती है, बहुत ही मस्त है। तो गाइज मेरी सीट तो वहाँ पे बट वहाँ पे एसी बहुत आवाज़ कर रही है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी ब्लॉगिंग करनी तो थोड़ा आगे जाके बैठे और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, हमें यहाँ पर सारे लोग मतलब ऐसे शांत है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके गाइस तो फाइनली अभी टाइम हो चुका है 3:45 एंड गाइस अभी 5 मिनट में गाड़ी निकलने वाली है, तो अभी मैं बैठा था अभी एडिटिंग कर रहा था बट मैंने ऊपर देखा तो 7.5 घंटे में 15 मिनट में तो पूरी मतलब ट्रेन भर चुकी है, पूरी ट्रेन भर चुकी है। एंड गाइज अभी जामनगर साइड वाले बहुत काठियावाड़ी लोग बहुत है यहाँ पे, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है, देखते हैं अब कब पहुँचते हैं। सो गाइज फीट अभी 3:50 हुई है, तो फीट 3:50 पे गाड़ी निकल गई है गाइज, अभी आई होप कि टाइम टू टाइम हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। आप लोग वडोदरा आ रहे हो तो एक ए भी ऑप्शन है, या वडोदरा से अपने गाँव साइड जा रहे हो तो एक ए भी ऑप्शन है भाई, मज़ा आ रहा है। तो गाइज मैं ये भी बता दूं कि मुझे ये टिकट कितने में पड़ी है, तो गाइज़ मुझे ये टिकट 375 में पड़ी है, तो 375 रुपीज़ है इसकी प्राइस और GST गिन लो तो 380 आसपास हो जाता है। शाम के 7 बजे का टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, लेट्स सी देखते हैं कि कब पहुँच जाए।
तो गाइस ये नितिन लेने आया मैं वहाँ से 3:50 को निकल गई थी और यहाँ पे 7 या 7:10 वो इससे पहले पहले तो हमको यहाँ पे ड्रॉप कर गया। मैं इसको यहाँ पे नाश्ता करने के लिए तो बोलता हूँ बट फिलहाल वो यहाँ पे मना कर रहा है। उसको वो बोल रहा है कि मांडे जाके, तो लक्ष्मी मांडे जाके कुछ करेंगे। One hour later. So guys, finally, मैं पहुंच चुका हूँ घर एंड अभी गाइज 8:30 है तो विरंगम से हमको यहाँ पे आने में 8:30 बज चुके हैं क्योंकि मांडल में थोड़ा नाश्ता किया था हमने, इसलिए आधा घंटा पौना घंटा इधर उधर हो गया। तो फिलहाल मम्मी आपने खाना नहीं खाया? वो करता है प्रणाम कर रहे हैं पापा तो चले तो चले फिलहाल थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ एंड फ्रेश भी हो चुका हूँ। तो गाइज अभी बारी है खाने की, तो मम्मी अभी खिचड़ी एंड दूध खिला रही है। मैंने बोला था कि खिचड़ी एंड दूध ही रखना, तो पिछले 1 वीक से मैं खिचड़ी एंड दूध ही खा रहा हूँ। तो तो એવું છે આમ જે મમ્મી મજા આવે ને એવી નહીં મજા આવતી મજા આવતી તો ભઈ એ ખા રહે ગાઈસ શું કે મમ્મી શું કહે દીધું તો મેં ખીચડી દૂધ જ ખવાય કો બિચન બિચન ના ખવાય તો ગાઈસ અમારો વહાં પે તો કુછ એસા હી કુછ હોતા હે તો ઇસલિયે બોલ રહી હે ગાઈસ કુછ એસા હે તો ચલિયે ફિલહાલ અભી ખાના ખા લેતે હે। तो गाइज बस यही था आज के ब्लॉग में। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना आपको पता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी आप लोग कर सको वो कर देना। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चलिए बाय 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 बाय, चलो मिलते हैं कल। अपना मोबाइल रख दे और सुबह सॉरी।